आज प्रधानमंत्री युद्ध भूमि में पहुंच गए। भीषण जंग वाले यूक्रेन दौरे पर थे आज प्रधानमंत्री मोदी। क्या क्या हुआ है खबर, सब कुछ बताएंगे, विस्तार से तस्वीर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो। करोड़ों लोग जिस शो को देख रहे हैं, करोड़ों लोगों तक जिसकी आवाज पहुंच रही है, सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको बताता हूं कि किन किन मुद्दों पर आज कहानी दिखाने वाला हूं, कहां कहां की खबर दिखाने वाला हूं। देश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा अगर कुछ हो, जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर हैं, तो शुरुआत उससे करता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की करेंगे। आज प्रधानमंत्री यूक्रेन के कीव पहुंचे थे, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, उसके मायने समझाएंगे। दूसरी खबर में बात आज फिर कोलकाता रेप केस की करेंगे। 15 दिन हो गए हैवानियत पर हर दिन अपडेट बताता हूं, बहुत बड़ी घटना है इसलिए विस्तार से आज भी बताना जरूरी है। तीसरी खबर में बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक फैसले की करेंगे। मुख्यमंत्री बहुत धार्मिक हो गए और उनके धार्मिक काम की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। चौथी खबर में बात छतरपुर कांड पर हो रही राजनीति की करेंगे। कल आरोपी का घर गिरा, आज राजनीति शुरू हो गई है। पांचवी खबर देखिएगा, अच्छी स्टोरी है, सलीम को अनारकली से प्यार हो गया है। और सलीम कौन है जानना चाहते हैं, बने रहिएगा, दिखाएंगे विस्तार से। छठवीं खबर में बात इंदौर के में हुए दर्दनाक हादसे की करेंगे। छत गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, 5 मजदूरों की जान चली गई। सातवीं खबर में बात अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की करेंगे। अमित शाह 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या मामला है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। क्यों आ रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे। और क्या क्या हो गया है छत्तीसगढ़ में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, ये भी बताएंगे। आठवीं खबर में बात अंबिकापुर मर्डर मिस्ट्री की करेंगे, क्या है मामला, परिवार और एसपी क्या बता रहे हैं सुनाएंगे आपको। नौवीं खबर में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बोले हैं धर्म गुरु की जरूरत नहीं है, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। आज खबरों की संख्या ज्यादा है। दसवीं खबर में बात करेंगे, भोला है भंडारी गाने वाले गायक हंसराज रघुवंशी के खिलाफ रायपुर में शिकायत हुई है, खबर क्या है विस्तार से बताएंगे। फिलहाल विस्तार से बात कर लेते हैं और पहली खबर क्या है, जहां युद्ध हो रहा है वहां पहुंच गए हैं मोदी और ये हाथ मिलाना इतना आसान नहीं था। यूक्रेन में पहुंचकर ट्रेन में सफर करने के बाद वहां पहुंचना और वहां पहुंचने के बाद ये मुलाकात और फिर ट्रेन से वापस आना इतना आसान नहीं था, इसलिए विस्तार से खबर दिखाना और समझाना जरूरी है। 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध की आग में चल रहा है, 2.5 साल से हिम्मत नहीं कर पाता है कोई ऐसे देश में जाने का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन में छिड़े भीषण जंग के बीच आज यूक्रेन पहुंचे थे। 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। कीव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं, मेरे अगल बगल आप देखते जाइएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के बोटानिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, बापू को नमन किया। इस प्रतिमा को महात्मा गांधी के 191वीं जयंती पर 2020 में यूक्रेन में स्थापित किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। सब कुछ अब ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पहले 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन नया देश बना, तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। और अब जब यूक्रेन में इतनी भीषण जंग छिड़ी है, ऐसे में प्रधानमंत्री का यूक्रेन पहुंचना इसके बहुत मायने है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नाटो देशों के अलावा किसी दूसरे देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा किया ही नहीं है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की आज चौथी बार मिले हैं। 14 जून 2024 को इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले मई 2023 में जापान में G7 समिट के दौरान ही जंग के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी और अब ये 2 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मिले हैं। प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से आगे बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए।
बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन आए हैं यहाँ पे, तो बड़ी चीज है और वो भी वॉर के समय में। काफी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। हमारे मोदी जी इतना आध्यात्मिक शक्ति का पूरा भरा हुआ भरोसा के साथ है। प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है, जो रशिया के साथ हैं और जो यूक्रेन के साथ हैं। जहां हवाई मार्ग से जाया नहीं जा सकता, जहां युद्ध चल रहा, जहां खतरा हो हर पल, और नाटो देश के अलावा देखिए वहां कोई पहुंचा नहीं था, वहां कौन पहुंच गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए आपको एक एक तस्वीर दिखाना जरूरी है और वहां पहुंचने के मायने समझाना भी जरूरी है। ये दो तस्वीरें देखिए, ताकतवर भारत की ये दो तस्वीरें हैं, जो दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उन दोनों देशों में प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, दोनों देशों में दौरा किया। पिछले महीने 8 जुलाई को पीएम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, और आज प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। इन दोनों तस्वीरों को देखकर ये कह सकते हैं कि ऐसा सिर्फ भारत ही कर सकता है। युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने खड़े इन दोनों नेताओं से दुनिया में ऐसी केमिस्ट्री किसी भी दूसरे देश की देखने को नहीं मिलती। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रूस के दौरे में युद्ध को लेकर पुतिन के सामने ही दो टूक बात कही थी। सुना दीजिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। जो देश युद्ध कर रहा हो उसके शीर्ष नेता के सामने बैठकर साफ कह दिया प्रधानमंत्री ने कि बातचीत से ही शांति का रास्ता अपनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा खास क्यों है यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खास इसलिए है क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, मतलब भारत अपने राष्ट्रीय हितों का पालन करते हुए सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है। मित्रता सबसे मित्रता होनी चाहिए, इस सिद्धांत के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के रूस से भी मजबूत रिश्ते हैं। भारत यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करता है। रूस यूक्रेन दोनों देशों के लिए भारत अहम है। जंग के समय भारत शांति की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया को भरोसा है। अमेरिका और रूस को मोदी की यात्रा से उम्मीद है। मोदी अगर युद्ध भूमि में गए हैं मतलब कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। रूस और यूक्रेन में 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में 71,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। कितने? 71,000 से ज्यादा, ऐसा यूक्रेन का दावा है। रूस का दावा है कि जंग में 1,00,000 के करीब यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? लोगों का हो रहा है। इस जंग में अब तक 3,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 3,00,000 से ज्यादा लोगों ने। बस इसीलिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि अब ये महाजंग रुक जाए। ऐसे में भारत पूरी दुनिया की उम्मीद है। और आपको पता है, मोदी यूक्रेन पहुंचे तो खबर ये भी आई कि रूस ने मोदी के रहने पर युद्ध रोक दिया है। आगे क्या होगा ये आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ रूसी कह रहे हैं, किस भाषा में? हिंदी में। जरा इस तस्वीर को दिखाइए, फिर अगली खबर का रुख करेंगे। पहले इस प्यारी तस्वीर को दिखा दें। दे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मालाया ज शीतलाम, सश्य श्यामलाम, मातरम। देख रहे हैं इसको और ऐसा
हम बहुत चाहते हैं कि सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध दृढ़ होते जाए। मैं प्रीमियर मिनिस्टर के आने से बहुत खुश और अंगारे हैं। रूस और यूक्रेन की बात हो रही थी, मैंने रूसी नागरिक कह दिया था, माफ कीजिएगा, ये यूक्रेनी नागरिक थे जो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, तो मैंने सोचा आपको अंतिम में ये भी दिखा दूं। अगली खबर क्या है ये देख लीजिए आप। कोलकाता रेप केस में आज क्या हुआ है, हर दिन 15 दिन से आपको अपडेट दिखा रहा हूं, इसलिए आज क्या हुआ है ये भी आपको विस्तार से जानना जरूरी है। किस पर एक्शन हुआ है और क्या ये पूरा मामला अब न्याय की दिशा में बढ़ चला है, सब कुछ जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। कोलकाता रेप केस मामले को आज 15 दिन हो गए लेकिन लोग अभी भी सड़क पर हैं, गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, सवालों के घेरे में ममता सरकार है और कोलकाता पुलिस है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा है किस बात की? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के नाम की। रेप और मर्डर को सुसाइड बताने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष लगातार सीबीआई की रडार पर। अब तक 90 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है सीबीआई, 90 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। किससे? प्रिंसिपल साहब से। कल 13 घंटे संदीप घोष से पूछताछ हुई, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी प्रिंसिपल पर सवाल उठाया गया था कि आखिर प्रिंसिपल ने FIR क्यों नहीं करवाई। सबसे बड़े दोषी तो ये, इतनी बड़ी घटना के बाद FIR क्यों नहीं करवाई, ये सवाल उठ रहा था। प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार सीबीआई ने 16 अगस्त को पूछताछ की, अगले दिन करीब 15 घंटे पूछताछ हुई, फिर लगातार हर दिन सीबीआई ने प्रिंसिपल से पूछताछ की और आज भी सीबीआई ने प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ ही चल रही है प्रिंसिपल से। कोलकाता मामले में आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है और साथ ही 4 डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। ये वो 4 डॉक्टर हैं जिन लोगों ने घटना से पहले पीड़िता के साथ डिनर किया था। इस मामले में सबसे ज्यादा सवाल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर ही उठ रहे हैं। संदीप घोष 9 अगस्त की सुबह जब ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली तो हॉस्पिटल ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को बताया कि पीड़िता ने सुसाइड किया है, यानी खुदकुशी की है। तभी से ये आरोप है कि सुसाइड की थ्योरी इसी डॉक्टर संदीप घोष ने ही दी थी। डॉक्टर संदीप घोष कितना रसूखदार है और अस्पताल में कैसे काला कारोबार चलाता था, इसका खुलासा RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने किया है। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए क्या कह रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल। हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है, ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना, तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। ये प्रिंसिपल संदीप घोष जिस पर जिम्मेदारी थी कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, बेखौफ होकर वो काम करें, सबसे ज्यादा संदिग्ध तो ये संदीप घोष दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा डॉक्टर संदीप घोष ने सिर्फ करप्शन के गंभीर आरोपों से नहीं घिरे थे बल्कि उनका इतना रसूख था कि 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी कोई उन्हें हटा नहीं पाया। 31 मई 2023 को ममता सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया, लेकिन 24 घंटे में पश्चिम बंगाल सरकार को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। सिर्फ 11 सितंबर 2023 को डॉक्टर संदीप घोष का ट्रांसफर RG मेडिकल कॉलेज से मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही 9 अक्टूबर 2023 को फिर से बहाल कर दिया गया। पिछले साल यानी 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनी लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी ने आदेश वापस ले लिया। सोचिए कितनी पहुंच है इस प्रिंसिपल की, कितना रसूखदार था। इस घटना के बाद भी पूरी कोशिश की मामले को दबाने की, लेकिन गनीमत रही कि लेडी डॉक्टर के साथ काम करने वाले डॉक्टरों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया, करना भी चाहिए। प्रदर्शन शुरू हुआ तो यह मामला पूरे देश में पहुंचा और जब जांच CBI ने शुरू कर दी
तो लगातार प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है। इस मामले में बीजेपी पूरे बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर बैठे थे। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। क्या कह रही है बीजेपी, सुनाइए जरा। ममता बनर्जी का सरकार इतने बड़ा घटना घट गई, कुछ किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर का चिट्ठी लिखोगे, आप रिजाइन कर दो, अच्छा कम इजी होगा आपके लिए। संदीप घोष को बहुत कुछ पता है और संदीप घोष को लेके बहुत सारा राजनीति ममता बनर्जी कर रहे हैं। इसमें साबित हो रहा है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेप एंड मर्डर है। वहां की सरकार और उनकी मुखिया जो है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाकामियों पर पेबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मनी ट्रेल की विषय है, इसलिए ईडी को भी इसमें घुसना चाहिए और इस मनी ट्रेल को देखना चाहिए। और मैं अख्तर अली साहब को, डॉक्टर अख्तर अली साहब को बहुत धन्यवाद जान देना चाहता हूँ। पूरा देश चाहता है कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिले, बस इसीलिए लगातार आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। आगे भी कोई अपडेट होगा तो बताता रहूँगा। फिलहाल अगली खबर देख लीजिए। और अगली खबर क्या है, मुख्यमंत्री बहुत धार्मिक हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो निर्णय हो रहे हैं उससे ये चर्चा आम हो चली है कि मुख्यमंत्री के जो निर्णय हो रहे हैं वो धर्म पथ पर आगे बढ़ गए हैं, इस दिशा में निर्णय हो रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। इस बार मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर धर्म और संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री दिल खोलकर धार्मिक क्षेत्र के विकास के लिए ऐलान कर रहे हैं। पहले श्री राम वन गमन पथ के लिए विकास की राह दिखाई और अब जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े हैं उन जगहों को विकसित करने की पूरी प्लानिंग बन गई है मध्य प्रदेश सरकार की। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा, जल्द काम शुरू होगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां भगवान राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े हैं। ऐसे में अब आगे जन्माष्टमी है तो सीएम साहब ने बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने चार धामों का नाम लेते हुए कहा है कि जन्माष्टमी के बाद इन जगहों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नाम जान लीजिए कौन कौन से वो जगह हैं, नाम जान लीजिए। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम और नारायण धाम, धार का अमझेरा और इंदौर के पास महू के श्री परशुराम लोक जाना पाव धाम को मोहन सरकार बड़े तीर्थ धाम बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए मुख्यमंत्री, सुनाइए जरा। प्रदेश सरकार ने श्री राम पद गमन, श्री कृष्ण पद गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। चारों धामों की क्या विशेषता रही सब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बता दिया। बताया जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश के चार धार्मिक धाम चमकेंगे तो धार्मिक पर्यटन का को बहुत बढ़ावा मिलेगा। देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे और इसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर होगा। प्रदेश की सरकार ने बाकायदा ये भी निर्देश दिया है कि इन चारों धामों पर जन्माष्टमी के अवसर पर खास कार्यक्रम रखा जाए। मोहन सरकार जन्माष्टमी की ग्रैंड तैयारी कर रही है। जन्माष्टमी को लेकर सीएम ने पांच निर्देश जारी किए हैं, पांच निर्देश। पहला निर्देश देखिए, राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कार्यक्रम किए जाएं। दूसरा निर्देश, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा मित्रता और जीवन दर्शन पर लेक्चर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तीसरा निर्देश, शास्त्रों के अनुसार मंदिर निर्माण की वास्तुकला और उसकी विशेषताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चौथा निर्देश, गौरवशाली इतिहास की घटनाओं कहानियों को लोगों को बताया जाए। पांचवा निर्देश, सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों में भारतीय विशेष परंपराओं योग आदि पर व्याख्यान और
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह निर्देश है मध्य प्रदेश सरकार का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले राम वन गमन पथ को भी भव्य तरीके से जीवंत करने की बात कही थी। श्री राम और श्री कृष्ण की प्रेरणा सीएम स्कूली बच्चों के लिए अनिवार्य करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने पहले क्या कहा था वो भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। प्रदेश सरकार ने श्री राम पद गमन, श्री कृष्ण पद गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। एक तरफ दूसरे राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री निवेश लेकर आ रहे हैं, फिर अगले ही हफ्ते ग्वालियर में निवेश के लिए बड़ा जमघट होने वाला है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धार्मिक क्षेत्रों का विकास करके पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अगर निवेश आएगा तो मध्य प्रदेश को रोजगार मिलेगा और पर्यटन बढ़ेगा तब भी मध्य प्रदेश की जेब में खूब पैसा आएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है जो आपको बताना था, दिखाना था। तो चलिए अगली खबर क्या है ये देख लीजिए आप। छतरपुर कांड पर भयंकर राजनीति हो रही है, राजनीति चरम पर है। बड़े बड़े नेता आपको दिग्गज दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के, और खुद मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। खबर क्या है ये बता देता हूं। कल दिखाया था कैसे पुलिस पर पथराव करने वाले हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चला और चमचमाती इमारत खंडहर बन गई। अब छतरपुर में हुई इस कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। कल थाने पर पथराव मामले मुख्य आरोपी के घर पर जब बुलडोजर चला था तो आपको पल पल की अपडेट दे रहा था विस्तार में। 20,000 वर्ग फीट में बना लगभग 6 करोड़ अनुमानित 6 करोड़ के बंगले पर बुलडोजर चल जाए तो खबर तो बड़ी होनी है और खबर बड़ी होना लाजमी है। एक तो थाने पर पथराव, दूसरा 6 करोड़ के बंगले पर बुलडोजर चलना और तीसरा आरोपी का कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष होना। राजनीति तो गर्म होगी भाई साहब, राजनीति गर्म हो गई है। छतरपुर से लेकर भोपाल तक हाजी शहजाद का ये बंगला फिलहाल राजनीति का केंद्र बना हुआ है। भयंकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, चलिए सब कुछ बता देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये लेटर देख लीजिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि बिना नोटिस का पूरा बंगला गिरा दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में संविधान समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और देखिए यह भी लिखा है कि जिस भी अधिकारी ने बिना नोटिस के बुलडोजर चलाया है उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। आरिफ मसूद ने आज मीडिया के सामने भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सुनिए क्या कह रहे हैं आरिफ मसूद, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए जरा। उस मकान की परमिशन थी, उस मकान पर तो लोन भी था, और परमिशन की बात करती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम पूरे प्रदेश के कितने मकान आते हैं उसको चिन्हित कर लें, उस छतरपुर के कितने की परमिशन और कितने की नहीं है इसका जवाब निकाल ले सरकार। और क्या उनको तोड़ेगी और एक दिन में तोड़ेगी, क्योंकि इसको तो बिना नोटिस दिए थोड़ा है ना, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, क्या है इसको लेकर हम न्यायालय में जाएंगे, हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये तो मध्य प्रदेश के नेता हैं, भोपाल के विधायक हैं, सुना आपने। इसके बाद अब इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि हाजी शहजाद का सिर्फ घर नहीं तोड़ा है बल्कि गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल पूछा कि आपकी सरकारें संविधान से ही चल रही हैं ना, आप जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं उसको आपके मुख्यमंत्री कुचल तो नहीं रहे। बड़ा बड़ा सवाल पूछ लिया है इमरान प्रतापगढ़ी ने, बड़ा सवाल पूछ लिया है। अब एक्शन का रिएक्शन तो आना ही था। इमरान प्रतापगढ़ी और आरिफ मसूद के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने बड़े तीखे शब्दों में हमला बोला है। क्या कहा है ये भी सुन लीजिए, सुनाइए रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं। इसलिए एक अच्छा शेर सारी सीखो, उसको पढ़ो, वो क्या है इमरानगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ी, तो प्रताप हमारे पास है, तुम अपनी घड़ी को बचाओ, अगर बदतमीजियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी इलाज होगा। आरिफ मसूद जो MLA हैं उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें
और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। आप अपने पत्र को जड़वा कर मड़वा कर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। आक्रामक है विधायक महोदय, देश कैसे चलाना है, संविधान की रक्षा कैसे करनी है, इसकी सीख कांग्रेसी ना दे, इसी तरह से बोल रहे हैं, यही लहजा था, ऐसा रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, अब डॉक्टर मोहन यादव की सुन लीजिए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनसे भी मामले पर सवाल किया गया था, सुनिए क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सुनाइए। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा, सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, यही कह रहे थे मुख्यमंत्री। साफ साफ संदेश दिया है कि अगर दंगाई बनोगे, थाना में पत्थर चलाओगे, तो भाई साहब बक्से नहीं जाएंगे। मोहन यादव ने साफ साफ आरिफ मसूद को भी जवाब दे दिया। इस मामले पर कांग्रेस के अंदर भी बयानबाजी शुरू हो गई, कांग्रेस में अंदरूनी कलह ज्यादा शुरू हो जाती है। आरिफ मसूद इस बात से निराश है कि कांग्रेस के बड़े नेता इतने बड़े मामले पर चुप्पी साधे हुए, क्यों कुछ बोल नहीं रहे। कांग्रेस की चुप्पी पर आरिफ मसूद ने बहुत सारे सवाल उठा दिए, सुन लीजिए आरिफ मसूद, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, सुनाइए। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू बटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं, उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा, और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। नाराज हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है तो काहे कर रहे हो भाई, बताइए। जिस पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया, उसकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि सभी नेताओं को आगे आना चाहिए। हालांकि कल इस मामले पर जीतू पटवारी से सवाल पूछा गया, लेकिन लगता है उनकी बात से आरिफ मसूद संतुष्ट नहीं है। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा था, सुनाइए। मैं मानता हूं कानून का राज मध्य प्रदेश में ही, गृह मंत्री जी को मैं बार बार आग्रह कर चुका हूं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए लगातार मध्य प्रदेश में अराजकता में जा रहा है। थानों में जब हमले होने लगे, पुलिस वालों की हत्याएं होने लगे, पुलिस वालों के सामने खड़े रख के हत्याएं होने, कैसा प्रदेश है हमारा। मोहन यादव जी को संज्ञान में लेके कार्रवाई भी करनी चाहिए और अपने गृह मंत्रालय की समीक्षा भी। आरिफ मोहम्मद इस बात से निराश हैं कि जीतू पटवारी ज्यादा नहीं बोले, ऊपर ऊपर बोलकर निकल लिए। लेकिन अब इस मामले में बागेश्वर वाले बाबा की भी एंट्री हो गई है। बागेश्वर वाले बाबा जब आते हैं, उनका नाम आता है, तो मैं थोड़ा चार्ज हो जाता हूं। बागेश्वर वाले बाबा ने क्या कहा है, सुनना चाहते हैं, सुना दीजिए भाई क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं आप विस्तार न्यूज में 8 से 9 बजे। और अब अगली खबर क्या है, अगली खबर दिखा दीजिए भाई। अमित शाह छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, कारण जानना चाहते हैं। अमित शाह जब आते हैं तो सब कुछ विस्तार से बताना जरूरी है, और इस बार इसलिए विस्तार से बताना जरूरी है क्योंकि 3 दिन के लिए आ रहे हैं। इस बार 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 3 दिन अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय के आला अफसर भी रायपुर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह विभाग की हर छोटी बड़ी अपडेट रायपुर से ही लेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं अमित शाह रायपुर में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या उनका प्लान है, जिसको लेकर खूब हलचल है प्रदेश में। विस्तार से बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में 3 दिन रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे और मंत्रियों का 8 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर रायपुर में अहम बैठक होगी। इस बैठक में 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और DGP भी शामिल होंगे। जो अधिकारी नहीं आ पाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नक्सलवाद पर विशेष बैठक होने वाली है।
मतलब आप समझिए छत्तीसगढ़ में बैठकर गृह मंत्री 7 राज्यों की सुरक्षा पर अहम बैठक लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक करना है। इन 7 राज्यों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर बड़ी रणनीति बन सकती है। और नक्सलियों के खात्मे का रोडमैप तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही गृह मंत्री ने बना लिया था। यही वजह थी कि विधानसभा में नक्सलवाद का खात्मा बीजेपी के लिए अहम मुद्दा था। तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 3 साल के अंदर बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहा था उस समय, सुन लीजिए गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनाइए जरा। कांग्रेस का शासन था, नक्सलवाद आगे बढ़ता था, भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और यही वजह है कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार आई है, लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 8 महीने में करीब 145 नक्सली मारे गए हैं। यह 8 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 145 नक्सलियों को मारा गया, इससे पहले इतिहास में यह नहीं हुआ है। 526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया है नक्सलवाद। 633 नक्सली गिरफ्तार हुए, यह आंकड़ा पहली बार हुआ है, यह सब देश में इससे पहले नहीं हुआ है। और करीब 97 मुठभेड़ हुए। ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ के। नक्सलवाद को लेकर मोदी सरकार हमेशा से सख्त रही है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे और विस्तार से बताऊंगा। रिपोर्ट दिखाइए। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी, अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार बनने के बाद 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ा। ये भाजपा है जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में नक्सली घटनाओं में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2004 से 2014 तक 14,862 नक्सली घटनाएं हुई थी, जो 2014 से 2023 के बीच घटकर 7,128 रह गई, मतलब करीब 52% की गिरावट हुई है नक्सली घटनाओं में। इतना ही नहीं, नक्सली घटनाओं में सुरक्षा बलों की शहादत की संख्या में भी 72% की कमी आई है, जो कि बहुत सुकून वाली खबर है। 2004 से 2014 तक 1750 सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई है। 2014 से 2023 के बीच इसमें 72% की कमी आई है और ये संख्या 485 हो गई है, ये भी ज़्यादा है, जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। अब लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जिसकी गारंटी मोदी सरकार ने दी है। इतना ही नहीं, साल 2010 में हिंसा प्रभावित जिलों की संख्या 96% थी, जिसमें 53% कमी आई है, 96 थी माफ कीजिए जिलों की, और 2022 में यह घटकर 45 रह गए हैं, जिले 45 रह गए हैं, 96 से 45 हो गए हैं। नक्सलवाद से देश कैसे मुक्त हो रहा है वो भी बता देते हैं। मोदी सरकार लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को नई रफ्तार दे रही है। विस्तार से देख लीजिए आप, इतने विस्तार से आपको कहीं नहीं मिलेगा कि क्या क्या किया है डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने। मोदी सरकार ने नक्सल प्रभावित 90 जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले। नक्सल प्रभावित जिलों में
सरकार ने 1258 नई बैंक शाखाएं खोली हैं। ये सोच लीजिए, इससे विकास हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है। 1348 ATM लगाए गए। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले इन इलाकों में विकास करने से पहले लोग डरते थे कोई गाड़ी चली जाए और कोई सूट बूट पर पहन कर चला जाए तो लोग डर जाते थे, भाग जाते थे, हिम्मत नहीं होती थी विकास करने की। इतना ही नहीं, इन इलाकों में संचार को रफ्तार देने के लिए भी 2 फेज में मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 नए मोबाइल टावर लगाए गए। 2,343 नए मोबाइल टावर। दूसरे फेज में करीब 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 नए मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए 121 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले गए। नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने और नक्सलवाद से दूर करने के लिए इन इलाकों में 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। ये बस्तर के विकास की गाथा बता रहा हूँ आपको, जिस बस्तर को लोग समझते हैं कि आप वहाँ चलो तो बंदूक लिए नक्सली खड़े हैं और सीधे गोली मार देंगे, उस बस्तर में जो विकास हुआ ये बताना जरूरी है। और करीब 38 कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं। सरकार इतनी कोशिशें सिर्फ इसलिए कर रही है कि पीछे जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में जो नई पीढ़ी निकले वो मुख्य धारा में शामिल होकर विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़े। और सुनिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 9 साल में 10,718 करोड़ की लागत से इन इलाकों में 9,356 किलोमीटर सड़क बनवाई गई है। ये विकास गाथा आपको बता रहा हूं। कल फिर से एक बार नक्सलवाद पर एक बड़ी बैठक होनी। अगली खबर क्या है, अगली खबर डालिए। ये देखिए, हाथी को प्यार हो गया, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, प्यार किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये हथनी को लेकर फरार हो गए हैं। कहानी ये है, एक हाथी हथनी को लेकर फरार हो गए। प्यार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी है। और सुनिए, नाम भी फिल्मी है, सलीम और अनारकली। एक और इत्तफाक की बात जान लीजिए कि हाथी छत्तीसगढ़ का है और हथनी मध्य प्रदेश की। बहुत मजेदार कहानी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखा दें, लेकिन दिल का मामला है, प्यार का मामला है, इसलिए सोचा आपको बता दूं। प्यार तो प्यार है भाई साहब, क्या इंसान क्या जानवर, सब बराबर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है। यहां हथनी का एक झुंड कैंप में रहता है। वन विभाग के मुताबिक इसी कैंप में कुछ सालों पहले एक हथनी को यहां लाया गया था और उसका नाम अनारकली रख दिया गया, अनारकली। अब रिजर्व कैंप में तो जानवरों को रखा ही, उनकी देखभाल के लिए जाता है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से भी एक हाथी को लाया गया था। अब रिजर्व कैंप में हथनी तो बहुत थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस हाथी का दिल अनारकली पर ही आया। अब दिल का मामला है, कब किस पर आ जाए कोई नहीं रोक सकता है। और मेरी तो व्यक्तिगत राय ये है कि प्यार करने वालों को रोकना भी नहीं चाहिए, और आज तक कोई किसी को रोक भी नहीं पाया है, आप समझ रहे हैं। वापस खबर पर आते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सलीम और अनारकली कैंप में भी अक्सर साथ में रहते थे। कुछ दिन पहले अनारकली ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, जिसका बायोलॉजिकल फादर यानी हाथी के बच्चे का पिता सलीम ही था। अब इस पूरी कहानी से आपको सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी तो समझ में आ गई होगी, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आया है और इसी वजह से ये खबर बता रहा हूं। खबर ये है कि सलीम और अनारकली दोनों एक साथ कैंप से गायब हो गए। जब दोनों एक साथ गायब हुए तब वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पहले ही कई बार गौर किया कि सलीम अनारकली के साथ अकेले में समय बिताने की कोशिश करता था। बताइए, झुंड में नहीं रहना है। ये जितनी बातें बता रहा हूँ ये कुछ भी हवा में नहीं है, बाकायदा वन विभाग के अधिकारियों का बयान है, अभी आपको सुनवाऊंगा। आगे सुनिए, अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई बार दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश भी की गई, लेकिन प्यार परवान चढ़ गया था। हाथी जबरदस्ती हथनी की बाड़े में घुस जाता था। अब मौके देखकर दोनों कैंप से फरार हो गए। कहा जा रहा है कि सलीम अनारकली को लेकर फरार हो गया। हालांकि वन विभाग ने काफी कोशिशों के बाद हाथी और हथनी को 2 दिन बाद जंगल में वापस कैंप में भी ला दिया। अधिकारी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, प्रेम कहानी किससे यही बता रहे हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, सुनाइए अधिकारियों। उसमें एक जंगली हाथी उस पर मोहित हो गया और वो कैंप में उसके लिए बार बार आने लगा। उसकी कोशिश थी कि उसको निकाल करके, अनारकली को निकाल करके अपने साथ जंगल ले जाने की। जो जंगली हाथी है वो कैंप में बार बार आ रहा था तो उसको वहाँ से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन अभी बीच में वो कुछ समय पहले वो अनारकली को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुआ। 2 दिनों के लिए वो जंगल ले गया, फिर रेस्क्यू करके अनारकली को वहां से वापस लाया गया। अजीब मामला है,
छत्तीसगढ़ के हाथी उत्पात मचाते हैं, घर तोड़ते हैं और प्यार करने मध्य प्रदेश आते हैं। देख रहे हैं प्यार में दोनों फरार हो गए थे, ये लोग पकड़ लाए हैं। अरे प्यार करने वालों को कितना पकड़ोगे, फिर भाग जाएंगे भाई साहब। बताइए कोई रोक पाया है किसी प्यार करने वाले को? इश्क बहुत स्ट्रांग इमोशन है भैया, लोग घर वालों की नहीं सुनते और भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। ये तो फिर भी हाथी और हथनी है, कौन ही रोक पाएगा। खैर, सलीम और अनारकली के प्यार को मेरी शुभकामनाएं, दोनों का परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, लेकिन भाग के नहीं, प्यार बना रहे। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। क्या है अगली खबर? अंबिकापुर मर्डर मिस्ट्री पर परिवार और एसपी जिले के बोले हैं, क्या बोले हैं? अंबिकापुर में अक्षत मर्डर केस किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कह रही है हत्या के लिए अक्षत ने ही खुद की सुपारी दी थी, लेकिन अक्षत के पिता सवाल उठा रहे हैं कि अक्षत क्यों खुद की सुपारी देगा। तो चलिए आगे बता देते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। पुलिस अभी इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी जांच कर रही है, लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको विस्तार से बता देता हूं, क्योंकि इस मर्डर की चर्चा बहुत ज्यादा है। मामला क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अंबिकापुर के व्यापारी महेश केडिया के बेटे अक्षत का शव 21 अगस्त को मिला था। शव मिलने से पहले ही पुलिस हत्या करने वाले आरोपी संजीव मंडल को उसके घर से गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ संजीव मंडल के घर से 48,000 रुपए नगद और सोने के जेवर बरामद किए। आज पुलिस ने हत्यारे और अक्षत के बीच क्या बातचीत हुई थी इसका खुलासा किया है। पुलिस अफसर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, इसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे परिवार क्या कह रहा है ये भी सुनाएंगे। सुनाइए जिले के एसपी क्या कह रहे हैं। जैसा का स्टोरी आरोपी ने बताया है कि मृतक ने ही उसे 50,000 रुपए और सोने के जो आभूषण है वह आरोपी को दिए थे और उसने बोला था कि किसी की हत्या करनी है, और फिर जब फाइनली हत्या किसकी करनी है यह बात हुई तो मृतक ने बताया कि मेरी हत्या करनी है। तो इसी पे फिर आरोपी लालच में आकर, और चूंकि आरोपी का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो उसने सोने और पैसे के लालच में आकर मृतक की हत्या की। पुलिस कह रही है ये पूरी स्टोरी आरोपी से पूछताछ के बाद पता चली है कि अक्षत ने खुद अपनी सुपारी दी थी, हत्या के लिए देसी पिस्टल भी लेकर आया था। पर अक्षत खुद को क्यों मरवाना चाहता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब अक्षत के पिता भी जानना चाहते हैं, उनका परिवार जानना चाहता है। अक्षत के पिता महेश केडिया ने क्या कहा है, क्या मांग की है, ये भी सुना दीजिए। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, विशेष करके मुझे मीडिया से, मैं मीडिया का जो भी प्रचार प्रसार आ रहा है मैं उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ, बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मेरे बच्चे को आज पूरे शहर में किसी के द्वारा भी बात की जाए, किसी से भी पूछा जाए, कोई भी उसके ऊपर एक सिंगल आक्षेप भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको इतना मतलब जाने के बाद भी इस टाइप का कोई बच्चा अपनी सुपारी दे सकता है? हर पेपर वाला वही चीज़ बोल रहा है। जो सामने वाला व्यक्ति है जो आरोपी है, आज उसके ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 केस हैं। मेरे बच्चे के ऊपर कोई केस है? दुकानदारी व्यापार करता था, बिजनेस करता था, और उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे जैसी जानकारी है बच्चा मेरा ज़मीन का भी काम करता था। 100% आरोपी के द्वारा जो है उसे गन पॉइंट पे ले जाया गया है, कोई ज़मीन दिखाने के बहाने से ले जाया गया है और उसे शूट किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का जो भी सामान था वो पूरा आरोपी के यहाँ से जब्त हुआ है, बरामद हुआ है। अक्षत मर्डर केस में बहुत उलझन है। आर्थिक रूप से सक्षम अक्षत खुद की हत्या कैसे करवा सकता है, इसका जवाब तो जब सभी एंगल से जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन अब 20 अगस्त को हत्या के दिन क्या क्या हुआ इसको आपको बारीकी से समझा देता हूं। हत्या वाले दिन क्या क्या हुआ, अक्षत अग्रवाल ने 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे आरोपी संजीव मंडल से मुलाकात की थी। 20 अगस्त को दूसरी बार शाम 6 बजे आरोपी से अक्षत मिला। शाम 6 बजे के बाद परिजनों का अक्षत के पास फोन आया तो अक्षत ने कहा, घर वालों को बोला कि दोस्तों के साथ बैठा हूं। शाम 6:30 बजे में अक्षत अग्रवाल का मोबाइल फोन बंद हो गया। रात 9 बजे अक्षत के घर वालों ने पुलिस को बताया और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रात को ही साइबर सेल अक्षत के मोबाइल का लोकेशन ढूंढने लगी। तब संजीव मंडल से बातचीत की जानकारी मिली। पुलिस ने संजीव मंडल को उसके घर से सुबह 5 बजे हिरासत में ले लिया। संजीव मंडल के बताए लोकेशन में पुलिस को सुबह 6 बजे अक्षत का शव मिला। पुलिस के खुलासे में यह साफ हो गया कि संजीव मंडल ने ही हत्या की है। अक्षत को बहुत नजदीक से गोली मारी गई है, पर हत्या क्यों किया गया और अक्षत क्यों खुद की हत्या करवाना चाहता था इस पर जांच जारी है। और परिवार
वालों का कहना है कि इस हत्याकांड में और लोग शामिल हो सकते हैं। तो आज टाइम हो गया है और टाइम हो गया है 8:51, मुझे 8:50 में जाना होता है, लेकिन एक नंबर है जिस पर आप हर दिन खबरें भेज रहे हैं। बस आने वाले समय में जो आप समस्या भेज रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात में अपनी खबर चलवाना चाहते हैं, वो दिखाऊंगा। नंबर क्या है? 8282824982। बहुत आसान है 8282, बस लास्ट में जो चार अंक है उसमें पहले के दो 49 है। तो 8282824982 पर अपनी खबर भेजिए।